वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। एडिक्शन में होम्योपैथी का क्या रोल है? क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ देकर हम किसी इंसान की लत छुड़वा सकते हैं? इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीक जो लेक्चर पोस्ट किया है उसमें बताई है। अगर आपने वो सेशन अब तक नहीं देखा है ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस की थी और फिर मैंने आपको पूछा था कि आप क्या सोचते हैं मैंने कौन सी दवाई दी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में आंसर किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना तब आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो। अभी देखिए इस लर्निंग सेशन में मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ वो जो लास्ट एडिक्शन की केस मैंने शेयर की थी, चेन स्मोकर जो लड़का था उसकी, तो उसका रेमेडी क्या है। एक बात मैं कहना चाहूँगी, आप में से जितने भी लोगों ने नेचुरल बोला है आई एम वेरी शॉक टू लिसन टू दैट आंसर कि नेचुरल म्यूर आपको क्यों लगा। नेचुरल म्यूर अगर आपको लग रहा है तो मुझे नहीं पता कि आपने कौन से बेसिस पे नेचुरल म्यूर सोचा है, क्योंकि आपने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि क्यों आपको लग रहा है नेचुरल म्यूर। पर देखिए नेचुरल म्यूर जो है ना वो लव डिसअपॉइंटमेंट में है, शायद इसलिए आपने नेचुरल म्यूर सोचा है। पर वो बहुत डिग्निफाइड है, नेचुरल म्यूर इज़ वेरी डिग्निफाइड, उसका स्वाभिमान होता है। और मतलब व्हाट इज डिग्निफाइड, डिग्निफाइड इज मतलब जिस इंसान को देख के आपको लगे कि आपके मन में आदर उत्पन्न हो। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना डिग्निटरीज एक वर्ड है, डिग्निफाइड पर्सनालिटी है। तो नेचुरल म्यूर इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको देख के आपके मन में रिस्पेक्ट वाली फीलिंग जागृत होती है। तो नेचुरल म्यूर तो वो ड्रग नहीं है। और अब मैं बोल देती हूँ कि कौन सा रेमेडी मैंने उस बंदे को दिया था। उसको मैंने दिया था लैकेसिस। लैकेसिस क्यों? क्योंकि ज़रा सोचिए, जैसे मैंने आपके साथ केस शेयर की है, उसको कोई इंसान बहुत पसंद था। ठीक है, फिर व्हेन दैट गर्ल डिश्ड हिम तो उसे जलन होने लगी, उसको बुरा लगा ऑब्वियसली, और उसको जलन होने लगी। और फिर उसको जलाने के लिए ही स्टार्टेड डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग दैट शी यूज टू हेट द मोस्ट। उस लड़की को स्मोक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर कोई स्मोक करता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसको तंग करने के लिए और अपना खुद का अंदर का फ्रस्ट्रेशन और जो जेलसी है वो निकालने के लिए, काइंड ऑफ उसका बदला लेने के लिए इस लड़के ने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू स्टार्ट स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ हर। जहाँ भी वो खड़ी रहती थी, जहाँ भी वो उसको दिखाई देती थी, तो उस लड़के की नज़र जानी चाहिए कि ये लड़का स्मोक कर रहा है, ऐसे जगह पे जाके वो स्मोक करता था। तो लैकेसिस क्या है ना, लैकेसिस में बहुत जलन होती है। लैकेसिस एक एनिमल रेमेडी है, स्नेक से बनता है। ठीक है, स्नेक पॉइजन से लैकेसिस बनाया जाता है। तो स्नेक कैसा होता है, क्या खूबियाँ होती है स्नेक में और क्या खामियाँ होती है स्नेक को, स्नेक ये सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या आता है। एक ऐसा एनिमल जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी है बचपन से कि नागिन है, वो बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेके आते हैं वगैरह। वो कुछ भी ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरी हो या कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोला क्यों ना हो, पर हम लोगों को क्या पता है स्नेक के बारे में कि स्नेक जो है वो जेलस होता है। स्नेक जो है वो उसका बदला ले लेता है। अगर समझो आप उसे अननेसेसरी तंग करते हैं ना तो वो आपको डसता ही है, या फिर अगर आप उसको तकलीफ़ नहीं दे रहे तो वो आपको कुछ नहीं करेगा, पर अगर आप उसके बीच में आ रहे हो तो वो आपको डसेगा ज़रूर। तो ये है लैकेसिस, और ये लड़का एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहा था। आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ द जेलसी दैट ही हैड, ही डिड
दैट पर्टिकुलर थिंग विच दैट गर्ल हेटेड द मोस्ट, ठीक है। तो उसने बोला भी उसी तरीके से कि उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वो ही करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये बचपन है ना, अगर कोई इंसान इसकी जगह पे अगर कोई समझदार इंसान होता तो वो क्या करता? आइदर ही वुड हैव लेट दैट थिंग गो, लेट दैट पर्सन गो, उसके बारे में इतना नहीं सोचता, फॉरगिव कर देता, भूल जाता, अपने लाइफ में आगे बढ़ता। पर इसने क्या किया, ये बचपना है ना, इसने क्या किया, इसने उसको तंग करने के लिए अपने आप को भी वो परेशानी दे रहा है, अपने आप की भी वाट लगा रहा है, ये उसको पता ही नहीं चला। तो दिस इज़ द रेज, दिस इज़ समथिंग वेरी चाइल्डिश, इसको मिस्चिवियस बोल सकते। बहुत सारी चीज़ें जो कि लैकेसिस के रूब्रिक्स में आपको मिलेंगी। तो ये मतलब तूने मेरे साथ गलत किया तो मैं तेरे साथ गलत करूँगा। अभी आप ये भी सोच सकते हैं कि फिर उसे ऐसी कोई बात क्यों नहीं की जो फिजिकली उस लड़की को हार्म कर सके। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं ना, हम कितनी सारी न्यूज़ में सुनते हैं कि आउट ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट थिंग इसने उसको मार दिया, बहुत सारे खून खराबे भी हो रहे हैं, तो इसने ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज लैकेसिस इज़ अ चार्म्ड पर्सन। अगर वो किसी इंसान से, किसी चीज़ से चार्म्ड हो जाए ना, तो फिर वो जो एक ऑरा बन जाता है, वो जो एक एक सम्मोहन करके बन जाता है, वो उसको तोड़ नहीं पाता। इसका एक बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक हमारे रिपर्टरी में है, चार्म कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। स्पेल मतलब क्या, मैंने जादू टोना कर दिया और अभी आप मेरे वश में हो, तो यू कैन नॉट ब्रेक दैट स्पेल। ये आगे भी पढ़ सकता था, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता था अपनी लाइफ में, पर वो उसने उसी चीज़ को, उसी लड़की के वो सोच को पकड़ के वो बैठ गया। तो ही कुड नॉट ब्रेक दैट स्पेल एंड ही कुड नॉट टेक इट लाइक अ ग्रोन अप पर्सन। उसने उसने बदला लेने की कोशिश की और उसने जो भी उसका एक्शन था, इट वॉज़ वेरी वेरी मच लाइक सी आई एम शोइंग यू, मतलब मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ और ये जो तुझे पसंद है वही मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो लोग हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। लैकेसिस इज इन टू अ रूब्रिक केयर्स फुल ऑफ फैमिली अबाउट। तो फैमिली नॉट नेसेसरी कि ब्लड रिलेशन जिनके साथ आप रह रहे हो, फैमिली मतलब वो लोग जिन्हें आप अपना मानते हो। तो यही रीज़न था कि जिसके वजह से उसने उसको फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाया। वो ऐसा नहीं किया कि किसी और लड़की के साथ चला गया, ही डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। एंड जस्ट टू टेक द रिवेंज, वॉट ही चूज इंस्टेड इज टू डू अ थिंग दैट वुड मेंटली डिस्टर्ब दैट गर्ल, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, स्मोक करते हुए लड़के या स्मोकिंग। तो ही स्टार्टेड डूइंग दैट एंड व्हेन ही रियलाइज्ड कि यार ये सब करते, ये इस सब चक्कर में मेरी तो लाइफ बर्बाद हो रही है और इतना ही नहीं, मेरी फैमिली बहुत सफ़र हो रही है। उसने क्या बोला, व्हाट वाज़ द पॉइंट ऑफ हिज रियलाइजेशन, उसने ये बोला कि उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अगेन हियर यू विल रियलाइज द रूब्रिक कि लव फुल ऑफ फैमिली अबाउट, केयर्स फुल ऑफ फैमिली अबाउट। जो लैकेसिस में है वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। तो जब उसको लगा ना कि ये लोग सफ़र हो रहे हैं, मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए, शी स्टार्टेड क्राइंग, और उसको क्या लग रहा है, ये सब उसको समझा। एंड देन ही रियलाइज एंड देन ही फेल्ट कि मुझे अब इस लत से छुटकारा चाहिए, मुझे अभी स्मोकिंग क्विट करना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो दैट वॉज द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन। तो हम कभी भी जब रेमेडी सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक पैच पकड़ के आप दवाई नहीं दे सकते, तो दैट वुड नॉट बी द एक्यूरेट सिमिलर, वो सिर्फ पार्शियल सिमिलर हो जाएगा, पार्शियल सिमिलर नॉट सिमिलर। अगर आपको उसको एक्चुअल में क्योर करना है ना, तो आपको प्रॉपर सी मिनिमम देना पड़ेगा। तो इसलिए यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, आपको सारे डॉट्स कनेक्ट करके एक एक होल सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है ना, कि ही स्टार्टेड
when he started, this was the reason what he did, and then the other patch would be why he felt now that I have to come out of this addiction. तो उसने क्यों addiction में addiction उसको लगा, उसने उस दौरान क्या किया और अभी उसको क्यों लग रहा है, ये अगर सारे डॉट्स हम लोग लिंक कर दें तो क्या आता है, तो यही आता है कि ये बंदा लैकेसिस है. तो मैंने उसको शुरुआत में लैकेसिस टेनेम दिया था, डायरेक्टली टेनेम आई गिव बिकॉज द मेंटल इट वाज पूरा माइंड पे था ना उसको, कि उसकी सोच है वो चाह रहा है, फिजिकल रूब्रिक नहीं था, तो फिजिकल सिम्टम्स नहीं था सॉरी. तो मैंने उसको डायरेक्टली टेनेम दिया था, टेनेम वन डोज मतलब मैं 3 बार देती थी, ठीक है, उसी दिन में 10-10 मिनट पे 3 बार देती हूँ. उसके बाद का जो 7 दिन का फॉलोअप था, उसके बाद मैंने उसको 1 mg दिया था. आफ्टर दैट नो रिपीटेशन, ही वॉज गिवन सैकलैक एंड फॉलोअप तो मैंने बता दिया है. तो ज़रूर जाके देखिए अगर आपने प्रीवियस सेशन एडिक्शन के बारे में नहीं देखा है तो, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रिजल्ट्स अपने पेशेंट्स को देना तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. कोर्स एनरोल करने के लिए स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, आप वहाँ पे आइए, कोर्स एनरोल करिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद यू विल बी एबल टू गिव रिजल्ट टू ईच एंड एवरी पेशेंट. अगर आपकी केसेस अटकी हुई हैं तो आप खुद अपने केसेस में अच्छे से केस टेकिंग करके आप दवाई दे के उन्हें निकाल सकते हैं. तो विदाउट सॉफ्टवेयर हाउ टू रीच टू द प्रॉपर सिमिनिमम और हाउ टू इंक्रीज योर पेशेंट फ्लो एंड मल्टीप्लाई योर अर्निंग, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आज ही मेरे कोर्स को एनरोल करिए. कोर्स का नाम है प्रैक्टिकल होम्योपैथी कोर्स. तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी. 1 महीने का कोर्स है, हर रोज़ 1 घंटे का लेक्चर होता है. ज़रूर एनरोल करिए और एनरोल करने के लिए तुरंत व्हाट्सएप का जो नंबर दिख रहा है वहाँ पे मैसेज करिए. थैंक यू.